नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड के लिए क्लास टेंथ सोशल साइंस के आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2020-21 की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बताए जाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। समाज विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि पिछले कई सालों से बोर्ड एग्जाम में आपके आ रहे हैं और इस बार भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत प्राचीन भारत में भारत को कहा जाता था सोने का घड़ा, सोने की चिड़िया, सोने का घर या सोने का देश। तो इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, प्राचीन काल में भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया। आपको पता भी होगा, ठीक है, प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा, निम्नलिखित में से जैविक आपदा है, बम विस्फोट, सुनामी, ज्वालामुखी या बर्ड फ्लू। तो जो जैविक आपदा है बर्ड फ्लू, एक क्या जैविक आपदा है बर्ड फ्लू। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी विचारों का नहीं था, तो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। तो जिसमें के उदारवादी विचारों का नहीं था, तो यहाँ पर आपको क्या है नहीं पूछा गया, तो रहते अरविंद घोष, उदारवादी विचार उनके नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस का विभाजन हुआ था, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप कर लीजिए। सूरत अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में या मुंबई अधिवेशन में। तो जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सूरत अधिवेशन में हुआ था, इसे तो आप बिल्कुल भी अच्छी तरीके से तैयार कर लें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्व हैं, असंलग्नता, निरक्षरता, पंथ निरपेक्षता या उपयुक्त सभी। तो जो प्रजातंत्र की असफलता में बाधक जो प्रमुख तत्व कह सकते हैं वो है निरक्षरता, यानी कि जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, निरक्षरता एक प्रमुख कारण है प्रजातंत्र की सफलता में बाधक। नेक्स्ट है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है, तो 64.8%, 65.8%, 66.6% और 73%। तो जितने भी अंक वाले होते हैं समाज सोशल साइंस में, सभी स्टूडेंट क्या भूल जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा किसका है। तो इन जितने भी ये अंक वाले, उनको आपको अच्छी तरीके से करना है, दो तीन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, एक क्या हो जाएगा 73%, 73%। नेक्स्ट हमारा संविधान है, तो संविधान सरकार का गठन है, देश का शासन है, नियम और कानूनों का संकलित प्रलेख है या मौलिक अधिकार है। तो आपको पता ही होगा, तो संविधान है नियम व कानूनों का एक संकलित प्रलेख है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा आठवां है, प्रथम योजना के प्रारंभ में कितने व्यक्ति बेरोजगार थे, 25 लाख, 43 लाख, 33 लाख या 35 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 लाख, 33 लाख। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपने हिंदी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी, उसमें मैंने तीन पार्ट बना चुका हूँ। पार्ट वन में मैंने आपको कितने पार्ट वन में 15 ऑब्जेक्टिव बताए थे, फिर पार्ट टू में मैंने आपको 10 ऑब्जेक्टिव बताए थे और पार्ट थ्री में भी मैंने आपको 10 ऑब्जेक्टिव बताए थे। इस प्रकार टोटल 35 ऑब्जेक्टिव हम आपको बता चुके हैं हिंदी के लिए, और सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आसानी से आपको सभी मिल जाएंगे। फिर हमारा नवा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, तो प्राथमिक क्षेत्र की मछली पकड़ना, गन्ने से शक्कर बनाना, बैंकिंग या मकान निर्माण। तो मछली पकड़ना प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। और आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत में अब तक पूर्ण हुई कुल पंचवर्षीय योजना है, भारत में अब तक पूर्ण हुई पंचवर्षीय योजना है 5, 10, 11 या 12। तो भारत में आपको पता होगा अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। तो दोस्तों, यह थे इस वीडियो में हमने आपको 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए। नेक्स्ट वीडियो में हम और 10 आपको बताएंगे, हो सकता है तो आपको ज़्यादा भी बता दें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करके जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।